हेलो हेलो, मैं हूँ जेडी और आप मेरे साथ देख रहे हैं पत्ते की बात। तो आइए चलिए इस पोकर की दुनिया में जहाँ किस्मत से ज्यादा दिमाग काम आता है। इस पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल में हमने काफी हेड्स अप सेटिंग गोल्स देखे हैं और यहाँ देखिए हम लिटरली फाइनल पे पहुंच गए। सिद्धार्थ मुंदादा और अभिषेक गोयंदी के बीच में लड़ाई है। दोनों दो प्लेयर्स को पहले ही अपने हेड्स अप में हरा चुके हैं एंड अब फाइनल खेलते हुए। तो चलिए, यहाँ पर ब्लाइंड 50-100 है। दोनों 15 के स्टार्टिंग स्टैक्स से शुरू हुए थे। स्टार्टिंग में अभिषेक गोयंदी ने थोड़े हैंड जीत चुके हैं, तो मुंदादा को कवर करते हुए यहाँ पर एंड बटन पे 3x रेज कर रहे हैं क्योंकि बहुत डीप खेल रहे हैं। 50-100 में इफेक्टिव 14,000 है, मतलब 140 बिग ब्लाइंड डीप खेल रहे हैं अपना किंग क्वीन ऑफ रेस करते हुए। मुंदाडा जो बहुत एग्रेसिव प्लेयर है, यहाँ पर थोड़ा सोचते हुए कभी कभी शायद यहाँ 3-bet करने की कोशिश करे, थोड़ी सी हंसे और टाइमिंग अभिषेक गोयंदी को लग ही रहा है कि ये कुछ सोच रहा है तो कुछ करने वाला है एंड 3-bet किया है। आउट ऑफ पोजिशन 4x कर दिया अपने ओपोनेंट के रेस को, 300 को 1200 बना दिए हैं एंड अभिषेक गोयंदी के पास बहुत बड़ा हैंड है, इन पोजीशन है, तो वो यहाँ कंटिन्यू करते हुए। अब देखिए सिद्धार्थ मुंदाडा की रेंज के लिए ये बोर्ड इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप 3-bet करते हैं तो आप बड़े पत्ते ज़्यादा करते हैं, जैसे एसेस, किंग्स, एस किंग, एस क्वीन, जैक्स, ये वाले पेयर बड़े हैंड्स। अब जब ये छोटा बोर्ड आता है तो ये आपके कॉलर के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई खेल रहा है हैंड जैसे 6-7 सूटेड या 8-9 सूटेड या पॉकेट 5, पॉकेट 7, पॉकेट 4, पॉकेट 9, तो उनके लिए ये बोर्ड ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर आपके पास पहले से ओवर पेयर नहीं है तो इस बोर्ड पे खेलने में दिक्कत होगी। तो गोयंदी के लिए बोर्ड के हिसाब से बोले तो गोयंदी के लिए बहुत अच्छा बोर्ड और मुंदाडा के लिए नहीं। लेकिन मस्त बात यह है कि हेड्स अप में आप बहुत सारी चीज़ें 3-bet करते हैं, तो मुंदाडा ने यहाँ पर 6-4 सूटेड 3-bet कर दिया है, तो उनके एक्चुअल हैंड के लिए तो ये बोर्ड काफ़ी ठीक ठाक आया है। अगर आप 6-4 सूटेड 3-bet करेंगे तो इस बोर्ड से तो आप काफ़ी संतुष्ट भी हैं। He goes ahead and is going to be thinking. गोयंदी के पास किंग क्वीन है, दो ओवर कार्ड्स हैं भी और सबसे इम्पोर्टेंट पोजिशन है। देख सकते हैं कि उनका ओपोनेंट टर्न पे क्या करे। अभी तो पॉट में सिर्फ 2400 है, पीछे तो दोनों के पास 13,000 इफेक्टिव है, तो आगे के गेम प्लेस क्या चलेंगे वो भी सोचते हैं। अब मुंदाडा यहाँ पर 1000 bet करते हुए, गोयंदी फ्लोट कभी कभी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं, फोल्ड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेड्स अप में हर पॉट के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। तो गोयंदी का यहाँ पर फ्लोट दो ओवर कार्ड्स के साथ, मुंदाडा टर्न पे ही स्ट्रेट लगा दिया है। लेकिन जैसे रेंज की हम बात कर ही रहे थे, अब किसके पास 6 ज़्यादा एक्सपेक्टेड है इस हैंड में? अभिषेक गोयंदी के पास, 6-7 सूटेड, 5-6 सूटेड, पॉकेट 6s, ये सारे हैंड्स हैं। तो अब मुंदाडा अपनी रेंज के हिसाब से सोचते हुए बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार बैट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में तो ओवर पेयर ज़्यादा बार होते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए वो चेक किए हैं और ट्रैप कर रहे हैं अपने स्ट्रेट के साथ। अभिषेक गोयंदी जिनको ये चेक मिली है तो उनको अब समझ में आ ही रहा है ये बोर्ड तो उनकी रेंज के लिए थोड़ा अच्छा हो गया है। तो अब यहाँ पर अब किंग हाई इतनी बार गुड नहीं है, तो वो चाहते हैं एस हाइज को फोल्ड करवाएं, या हम रिवर पे अगर ब्लफ करें तो बड़े पेयर को भी कभी कभी फोल्ड करवा सकते हैं यहाँ पर। अब गोयंदी बेट्स क्लोज टू 45% पॉट एंड मुंदाडा जिनके पास स्ट्रेट है, एक ही हैंड आ रहा है उन्हें जो 6-8 पॉसिबल है, तो सोचते हुए थोड़ा अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। है तो स्ट्रेट, पूरे कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर स्ट्रेट को होना चाहिए, सिर्फ कॉल की है रिवर पे जैक ऑफ हार्ट्स, मतलब स्टिल हैविंग द सेकेंड नट्स ऑफ शॉर्ट्स एंड पॉट में 8,620 चिप्स पहले ही हैं मुंदाडा के पास, सिद्धार्थ के पास पीछे 9,700 है। गोयंदी ये देख चुके हैं कि उनका ओपोनेंट उन्हें टर्न पे कॉल किया है, तो स्टिल अ हैंड अगर मान लीजिए उनके पास एस 10 ऑफ स्पेड्स, एस क्वीन ऑफ स्पेड, एस किंग ऑफ स्पेड है, वो अभी भी कॉल करता, पर एंड में एस हाई तो जीत रहा है। तो गोयंदी के पास अब जो किंग है उसे शोडाउन में वो सोच नहीं रहे कि यहाँ पर मैं कभी ले जाके जीत सकता हूँ, मेरा ओपोनेंट हमेशा ओवर पेयर दिखा देगा या एस हाई भी दिखा देगा प्लस ड्रॉ के साथ, तो वो हार रहे। तो उनके पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी बची है, यहाँ पर अगर जीतना है तो यहाँ पर बेट करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि सिद्धार्थ के यहाँ पर स्ट्रेट है कि वो कभी नहीं जीतेंगे, पर ये लाइन जो अभिषेक ने ली है ये बहुत अच्छी लाइन है। हाँ, सही बात है कि सिद्धार्थ यहाँ अपने स्ट्रेट के साथ कॉल करेंगे ही करेंगे और ले जाएंगे पॉट, लेकिन ये जो गोयंदी की लाइन है ये बहुत अच्छी है। ये समझ रहे हैं कि
बोर्ड उनके लिए अच्छा गया है, जो पीपल ऑफ अग्रेसर है उसके लिए इतना अच्छा बोर्ड नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट कभी कभी पोकर में जो होता है वो अलग ही होता है। एंड डाडा जो 6-4 सूटेड 3-bet करके आए थे, सबसे अच्छा रन आउट अपने हैंड के लिए लाए और अपने ओपोनेंट की रेंज के लिए, जिसमें अब उनके ओपोनेंट को ब्लफ शव करना पड़ा एंड वो डाडा स्ट्रेट के साथ पॉट जीत गए।